75वें अमृत महोत्सव के तहत सोनीपत के गांव नहरा में रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नारियल तोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने नहरा गांव को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने सोनीपत जिले के नहरा गांव में आयोजित राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तालाबों को बचाने और उनके जीर्णोद्वार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। जिस तरह भागीरथ ने गंगा नदी को धरा पर लाने के लिए प्रयास किया था, उस तरह प्रधानमंत्री की ओर से जल की महत्ता पर यह भागीरथी प्रयास है। उन्होंने कहा कि पानी हमारी जमीन का रक्त है और बिना पानी की बंजर जमीन हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत पहुंचकर सबसे पहले गांव गंगेश्वर सरोवर पर नारियल तोड़कर अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की श्रमिकों को बधाई देते हुए स्वयं भी यहां पर श्रमदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के 111 स्थानों पर आयोजित अमृत सरोवर मिशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जल ही जीवन है के मूल मंत्र को समझा है और देश भर के तालाबों को बचाने का आह्वान किया है। उन्होंने देश भर के हर एक जिले में 75 तालाबों को साफ करने या उनके जीर्णोद्वार की योजना पर काम करने के लिए कहा है। ये योजना उसी कड़ी का हिस्सा है। जल ही जीवन है इस मिशन को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत घोषणाएं की हैं देश भर में उनको लागू करने के लिए कि किस प्रकार हम अपने पानी को बचा सके, जमीन के पानी को कैसे सुरक्षित रख सके, दोहन जमीन से पानी को कम से कम करें, रिचार्ज ज्यादा से ज्यादा करें और जो हमारे आम जीवन के अंदर पानी का जो उपयोग करते हैं उसके बाद जो बचा हुआ पानी यानी एक प्रकार से हमारा जो डिस्चार्ज वाटर होता है या हमारा जो गंदा पानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो सफाई के बाद वर्षा के कारण से तालाब भर जाते हैं, तो हर जगह पर इसकी चिंता करते हुए आज जिस अभियान की शुरुआत की गई है वो है अमृत सरोवर योजना। इस अमृत सरोवर योजना में सारे देशभर में अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त तक देशभर में 50,000 तालाब, हरियाणा में लगभग 8,000 तालाब और न्यूनतम हर जिले में 75 तालाब तो अभी पहले चरण में करेंगे ही, बाकी बचेंगे उसके बाद करेंगे, लेकिन सभी तालाबों के पानी को स्वच्छ करना, उसको पानी का उपयोग करना, पीने के यानी पशुओं के पीने के वो काम आएगा और जहाँ कहीं ओवरफ्लो होता पानी उसको इरीगेशन के माध्यम से हम वहाँ पर ट्यूबवेल लगा करके और माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से गाँव के आसपास हमने इरीगेशन डिपार्टमेंट को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहा है कि उसका एक कमांड एरिया अलग से बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग पारस्परिक सहयोग से तालाब खोदते थे, लेकिन काफी समय से लोगों ने तालाबों की साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये प्रदूषित हो गए। समय के साथ साथ इन तालाबों में अपशिष्ट मिलने लगे, तालाबों का पानी ओवरफ्लो होने लगा, लेकिन अब हमने इसको ठीक करने का बीड़ा उठाया है। वहाँ पर फल है, वहाँ पर फूल खेती है या सामान्य खेती है, उसको हम उपयोग कर सके। बहुत तालाब और ऐसे हैं जहाँ गहराई पानी की अच्छी है और वहाँ पर हम फिशिंग का यानी मछली पालन का काम भी शुरू करा रहे हैं ताकि लोग उसको भी अपनी आजीविका में ला करके और मछली पालन का भी काम कर सकें। तो आज के इस पवित्र कार्य के अंदर मैं लोगों से अपील करता हूँ कि सब इसमें सहयोग करें, सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 18,000 तालाब हैं, जिनमें से 4,000 में सिर्फ बरसाती पानी एकत्रित होता है, 6,000 तालाबों में पशुओं के लिए पानी भरा रहता है और 8,000 तालाबों में गंदा पानी भरा रहता है, उसे स्वच्छ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐतिहासिक तालाबों को तीर्थ स्थल मानकर जीर्णोद्वार होगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं अमृत सरोवर मिशन के तहत किस तरह से तालाबों का जीर्णोद्वार किया जाएगा। अमृत सरोवर मिशन के तहत तालाबों का होगा जीर्णोद्वार। 15 अगस्त 2022 तक 8,000 तालाबों का होगा जीर्णोद्वार। 1,600 तालाबों पर किया गया काम शुरू। बचे हुए सभी तालाबों की सुधारी जाएगी दशा। तालाबों की खुदाई रिटर्निंग वॉल कर किया जाएगा सौंदर्यकरण। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का किया गया गठन।
तालाबों का जीर्णोद्वार के लिए किया गया प्रबंधन का गठन। 1000 करोड़ रुपए के बजट का अलग से किया गया प्रावधान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी की एक एक बूंद को बचाकर उसे प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर के सभी सरकारी भवनों में रिचार्जिंग वेल लगाए जाएंगे ताकि बरसाती पानी का संरक्षण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने किसानों से भी बरसाती पानी को संरक्षित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 750 रिचार्जिंग बोरवेल लगाए गए थे, इस वर्ष इनकी संख्या 5000 करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उद्योगों, सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी को एसटीपी के माध्यम से रिसाइकलिंग कर उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस पानी को उद्योगों, निर्माण कार्यों, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बागवानी और खेती के लिए उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पानी में खाद के अवयव होते हैं जो सब्जी, फल, फूल और खेती के लिए बेहद लाभदायक हैं। इस रिसाइकलिंग पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए HSVP को 99 बिछाने के लिए भी कहा गया है। इसे घरों में गाड़ी धोने, शौचालयों और बागवानी आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध पानी की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 82 लाख एकड़ कृषि योग्य जमीन है, इसमें से सीधे सिंचाई 40 लाख एकड़ जमीन पर ही की जाती है। बाकी जमीन पर हम स्वच्छ पानी न होने की वजह से सीधे सिंचाई नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री ने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें माइक्रो इरिगेशन प्रणाली को अपनाना चाहिए। सरकार की ओर से इसके लिए 85% सब्सिडी प्रदान की जाती है, महज 15% पैसा ही किसानों को लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल से सिंचाई करने की वजह से हर साल 1 मीटर जल स्तर नीचे जा रहा है। किसान की भाषा में समझें तो उसे हर साल 1 मीटर का पाइप बोरवेल में डालना पड़ता है। ऐसे अगर 10 से 20 साल हम करते रहे तो जमीन में पानी खत्म हो जाएगा। ये वैसी ही स्थिति होगी जैसी हमारे शरीर से रक्त खत्म होने पर हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म होने के साथ साथ भावी पीढ़ी को बंजर भूमि ही मिलेगी। धान जैसी फसलों में ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, इन फसलों की खेती ना करें। इसके लिए सरकार हर एक वर्ष 7000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। पिछले वर्ष इस योजना के तहत किसानों ने 1 लाख एकड़ पर धान की कम बिजाई की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जमीन से पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म होने के साथ साथ भावी पीढ़ी को बंजर भूमि ही मिलेगी। धान जैसी फसलों में ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, इन फसलों की खेती ना करें। इसके लिए सरकार हर वर्ष 7000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। पिछले वर्ष इस योजना के तहत किसानों ने 1 लाख एकड़ पर धान की कम बिजाई की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाहरा गांव में 2 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं नाहरा गांव में किन किन चीजों को मंजूरी मिली। 1.5 करोड़ की लागत से 1 एकड़ में बनेगा कम्युनिटी सेंटर। गंगेश्वर तालाब पर 82 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा। नाहरा गांव में 4 तालाबों का होगा सौंदर्यकरण और सुधारीकरण। खेतों के रास्ते पक्का करने के लिए 70 लाख की मंजूरी। अस्थल बोहर मंदिर की गली के निर्माण की मंजूरी। 3 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण और ओपन जिम की मंजूरी। तैयार हो चुकी लाइब्रेरी में होगी किताबों की व्यवस्था। 5 चौपालों की मरम्मत को मंजूरी। राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय के भवन की आवश्यकता अनुसार मरम्मत या नया भवन बनाने की मंजूरी। जलघर की पाइपलाइन डालने की भी मंजूरी। इस दौरान ACS देवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के हर गांव को श्रेणियों में बांटकर सिंचाई योजना बनाई जाएगी। यमुना नदी के 5000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए सिंचाई तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। कार्यक्रम में ACS अमित झा, पूर्व मंत्री कविता जैन, उपाध्यक्ष पौंड अथॉरिटी प्रभाकर वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी